प्रस्तुतकर्ता धन्वंतरी फार्मास्यूटिकल काशीपुर उत्तराखंड। दिल्ली के द्वारका मेट्रो स्टेशन में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल, मेट्रो स्टेशन पर दो नमाजी नमाज पढ़ते आ रहे नजर। यूपी के कासगंज में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को नहीं पता देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम, जी मीडिया के पड़ताल में खुलासा। मदरसों में बेसिक शिक्षा का भी अभाव है, मदरसे के नाम पर केवल लाभ कमाने का उद्देश्य। यूपी के कौशाम्बी में मासूम बेटे का शव लेकर एम्बुलेंस के लिए भटकता रहा पिता, मीडिया के दखल के बाद मुहैया कराएगी एम्बुलेंस। महाराजगंज बीएसए ने फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे 7 शिक्षकों को बर्खास्त किया, मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। मेरठ में किसानों पर छापेमारी, पुलिस ने 10 नेपाली लड़कियों सहित 43 लोगों को गिरफ्तार किया। सीतापुर में एसटीएफ की टीम ने की बड़ी कार्रवाई, एसटीएफ के सीओ अनीश्वर चंद श्रीवास्तव की टीम ने छापेमारी कर 327 पेटियां अवैध देसी शराब बरामद की। बागपत में हेलमेट लगाकर रोडवेज बस चलाते हुए ड्राइवर का वीडियो वायरल। कानपुर में वर्चस्व को लेकर दो गुटों में भिड़ंत, पेट्रोल पंप पर दो गुटों में जमकर हुई मारपीट। कानपुर में रेस्टोरेंट में शराब परोसने की सूचना पर छापा, आबकारी विभाग की टीम ने मारी छापा। अमेठी में तेज रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में पिता की हुई मौत, बेटे की हालत गंभीर। रायबरेली में पत्नी से कर्मचारी के प्रेम प्रसंग होने पर पति युवक को उतार चुका है मौत के घाट, पुलिस जांच में जुटी। अमरोहा रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर मिला युवक का शव, परिजनों ने आरपीएफ कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए। प्रयागराज की महाधिवक्ता कार्यालय में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। अमेठी में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, हाईटेंशन तार की चपेट में आने से लड़के की मौत। अमरोहा के जीहल गांव में रहने वाले लड़के का खूंखार पास ने किया हमला, लड़के की मौत।